धनबाद जरिया के जोड़ा पोखर थाना अंतर्गत फुजबंगला चौक पर कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग गुरुवार को एक दिवसीय धरने पर बैठ गए और कई महीने से फ्लाईओवर निर्माण के कारण बंद रेलवे फाटक को चालू कराने की मांग करने लगे। वहीं धरने पर बैठे कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि रेलवे और सरकार द्वारा भागा रेलवे फाटक पर वर्षों बाद फ्लाईओवर बनने से लोगों में काफ़ी खुशी थी, क्योंकि हमेशा ये फाटक बंद ही रहता था, जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण के कारण फुजबंगला, पुटकी और भौरा मुख्य सड़क को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल इस फ्लाईओवर निर्माण का काम लगभग 4 महीनों से बंद है, क्योंकि ज़मीन के नीचे माडा का पाइपलाइन मिल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बंद है तो रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन तत्काल बंद फाटक को खोल दे, क्योंकि इस कोरोना काल में आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो दूरी 1 किलोमीटर की है वो फिलहाल 8 किलोमीटर तय करनी पड़ रही है, भाड़ा भी बढ़ गया है, इसलिए आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन मुख्य सड़क को चालू करे, ताकि 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का आवागमन हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन हमारी मांगें पूरी नहीं की तो आगे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने को बाध्य होंगे। देखिए, ये फुजबंगला चौक है, यहाँ से पुटकी की रास्ता जाती है, पुटकी जीटी रोड पकड़ती है। हम लोग फुजबंगला चौक में हैं और बगल में ही रेल फाटक है, भागा रेल फाटक, जो ओवरब्रिज निर्माण के नाम पर पिछले 5 महीना से बंद कर दिया गया है रेल के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा। जब ओवरब्रिज निर्माण की बात आई थी तो यहाँ की आमजनों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि चलिए एक ओवरब्रिज बन रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मगर बाद में पता चला, जब लॉक कर दिया गया रेलवे फाटक को, महीनों गुजर गया तो लोगों को ये ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब बाद में पता चला कि नीचे में माडा का पाइप गया हुआ है, उसके चलते माडा के द्वारा काम को ब्रेक कर दिया गया है। हम इस धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को और रेल प्रशासन को कि आप DPR जो बनाता है वो कैसा इंजीनियर था आपका, कि ज़मीन में उसको ये पता नहीं चला कि खाई है, कि माडा का पाइप गया हुआ है, और आप DPR बना करके एस्टिमेट पास कर करके इसका ओवरब्रिज निर्माण का पास कर दिया गया। जब खुदाई किया गया तो माडा का पाइप निकला, तो माडा उस पर ऑब्जेक्शन करके उस रेल फाटक को का निर्माण काम को रोक दिया गया। हमारा इस धरना के माध्यम से कहना है कि रेल प्रशासन महोदय, जिला प्रशासन महोदय, आप आम जनों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आम जन जो आधा किलोमीटर में सड़क को तय कर लेते थे, आज 8 किलोमीटर घूम करके इस कोरोना काल में इतना परेशान है, व्यवसायी परेशान है यहाँ का। आप अविलंब उस रेल फाटक को खोले, अगर ओवरब्रिज का निर्माण चालू भी होगा तो आप वहाँ पर रेल फाटक के पास एम्बुलेंस को तत्काल आने जाने का रास्ता और बैग का रास्ता, आप आमजनों का रास्ता खोलना होगा। अब हम इस के सिवा और कुछ मानेंगे भी नहीं। हम लोग आज इसीलिए धरना पर बैठे हैं कि आज 5 महीनों से रास्ता को बंद कर दिया, और कौन सा रास्ता है, कहाँ को जोड़ता है रेलवे फाटक, ये पुटकी को जोड़ता है, जामाडोबा बगल में हॉस्पिटल है, अभी काफ़ी दिक्कत होती है मरीजों को आने जाने में। मुख्य सड़क है जी, मुख्य सड़क है ये बोकारो को स्टील सिटी को जोड़ता है ये रास्ता। महीनों से लगभग बंद है। बंद होने का कारण यही है कि इसमें निर्माण काम DPR इसका बना करके इसका निर्माण काम शुरू करने के लिए फ्लाईओवर का बंद किया गया, लेकिन माडा का पाइप नीचे है। जो प्लानिंग किए थे, इनका प्लानिंग कैसा है, इनका प्लानिंग जो किया था वो कैसे प्लानिंग किया था कि माडा का पाइप आज से बिछा हुआ है, ये हम लोग को मालूम है कि सैकड़ों बरस से बिछा हुआ है, तो इसको पहले मद्देनज़र देखते हुए नहीं काम को शुरू करना चाहिए था, और सिर्फ रास्ता बंद कर करके और ठप कर दिए हैं। इनका ट्रांसपोर्टिंग का काम, रेलवे का काम चालू है, रेलवे का काम बंद नहीं है, लेकिन सारी जनता, पूरी जनता को परेशान किए हुए हैं। कहीं पर एक बाइक जाने का रास्ता ना, 8 किलोमीटर घूम करके आदमी जाता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें कोई आदमी मर गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये पता में हमको, ये सारी जिम्मेदारी रेल प्रशासन पर जाएगी, रेलवे पर। तो क्या आज आप लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे? हाँ, आज एक दिवसीय बैठे हैं, और ज़रूरत पड़ा तो अनिश्चितकाल बैठेंगे, अगर हमारी मांग को नहीं पूरी की जाएगी
तो हम अनिश्चितकाल में बैठने के लिए तैयार हैं। तत्काल रास्ता खोलने की मांग कर रहे हैं। हाँ, तत्काल रास्ता खोलने के, कम से कम टू व्हीलर और फोर व्हीलर यहाँ से जाए। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।